सभी को नमस्कार। आज पार्ट फोर में आते हैं योगायन एक्सरसाइज का। योगायन एक्सरसाइज का अलग अलग आसन के विषय में आप सभी को वीडियो शेयर किया जा रहा है। विशेष करके आप आज देखेंगे तीन आसन, जिस आसन से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलते हैं। ये आसन को कैसे करना है, सही तरीके से उन्हें सीखेंगे भी, इसका फायदा के बारे में भी जानेंगे। इस पार्ट का पहला आसन है त्रिकोणासन। जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से यह आसन को करना है। दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी करना है, फिर राइट साइड में भी करना है। कम से कम इस फुल पोजिशन में 10 से लेकर के 30 सेकेंड तक रुकने के लिए कोशिश करना है। फिर आराम करते हुए पहला पोजिशन में आके नेक्स्ट साइड में सेम प्रकार से करना है। यह आसन 3 से 5 बार रिपीट भी करना है और सांस नॉर्मली रखना है। ये बहुत ही एक अच्छा आसन है, शरीर को फायदा दिलाने वाला। शरीर का बहुत जगह में ये फायदा दिलाते हैं, जैसे कि पांव को, कमर को मजबूती दिलाते हैं और साथ में इनका सभी जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाते हैं। साथ में शोल्डर जॉइंट एंड एब्डोमिनल, पेट का अंदर का सभी तंत्रों को ये मजबूती दिलाते हैं। एक्स्ट्रा फैट को कम करते हैं। सर्दी जुखाम आदि में ये फायदा दिलाते हैं। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। साथ में ये जो बैकबोन है, इस बैकबोन के लिए भी एक अच्छा आसन है। ये इसको मजबूत करते हैं। ये आसन आँख और गर्दन के लिए भी अच्छा है। जिसका हाई प्रेशर का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कमर का दर्द हो रहा है, अथवा पेट का कुछ ऑपरेशन आदि हुआ है, तो उस समय में यह आसन नहीं करना है। यह आसन प्रतिदिन कर सकते हैं। शरीर को अच्छा स्ट्रेचिंग भी करते हैं और साथ में स्वस्थ भी रखते हैं, तो यह आसन का अभ्यास जरूर करना है। अब है भुजंगासन। ये भी एक स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा आसन है, जो पेट के बल से फ्रंट साइड में लेट करके करने का आसन है, जिसे पिक्चर में दिखाया गया है। पहले मकर आसन में रेस्ट करना है, फिर ये भुजंगासन का प्रैक्टिस करना है। इसको भी सप्ताह में 4 दिन 3-3 बार का अभ्यास करें और धीरे धीरे इसका नंबर्स बढ़ाया भी जा सकता है। इस समय श्वास स्ट्रेचिंग का अनुरूप ही लेना और छोड़ना है। इस आसन का फायदे यहाँ में लिखा गया है। विशेष करके इससे अपना बैकबोन का जो प्रॉब्लम है और साथ में कमर दर्द आदि के लिए बहुत अच्छा है। यह आसन गर्दन, पीठ, कमर आदि सभी का हड्डी और मसल्स के लिए अच्छा है। यह आसन पेट का चर्बी कम करने के लिए भी अच्छा है और साथ में तन मन का स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो यह आसन को जरूर अभ्यास करना है। आपका आसन है पवन मुक्तासन, जो पीठ का बल से लेटते हुए धीरे से इस पोजीशन में आ जाना है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। और इस पोजीशन में आकर के कुछ समय होल्ड करना है। हो सके तो 10 से 30 सेकेंड तक होल्ड करने के लिए प्रैक्टिस करना है। इसका फायदे यहाँ में लिखा गया है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये आसन पेट का गैस एंड एसिडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। पेट का अनेक बीमारियों को ठीक करता है, साथ ही साथ में बैकबोन एंड एब्डोमिनल मसल्स को भी बहुत अच्छा फायदा दिलाते हैं। गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये कमर का हिस्सा तथा बैकबोन का निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा मदद करता है। यह पेट का एक्स्ट्रा चर्बी को दूर करने के लिए मदद करता है। साथ में फेफड़ों और दिल का जो रोग होता है उनको दूर करने के लिए भी मदद करता है। आज दिखाया गया तीनों ही आसन से पुरुष और नारी का गुप्तांग के साथ संबंधित अनेक रोग दूर होते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखिए, आसन का फायदा पाने के लिए 3 से 5 बार का रिपीटेशन जरूर करना चाहिए और अंत में शवासन करके रिलैक्स करना है। तो चले योग करें, आसन करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, शक्तिशाली रहें। बीमार पड़ के डॉक्टर से चिकित्सा करने से अच्छा हेल्दी रहें, खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।